पायल रोहतगी एक ऐसा नाम जो आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे रहती हो। वहीं हाल ही में पायल ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ी जब पायल को राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी खुद पायल ने ही ट्वीट करके दी थी। वहीं पायल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके पति पहलवान संग्राम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ये कांग्रेस शासक राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी है। इस ट्वीट में उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी को टैग कर इस मामले को देखने की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं और पायल का सपोर्ट करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि हैशटैग आई स्टैंड विद पायल रोहतगी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए जरा कुछ। डियर पुलिस राजस्थान, राजस्थान सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पायल रोहतगी को जल्द रिहा करो। डियर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, व्हाट आर यू एंड योर पुलिस प्लेइंग एट? व्हाई इज पायल रोहतगी अरेस्टेड? हैशटैग आई स्टैंड विद पायल रोहतगी। पायल रोहतगी इज अरेस्टेड फॉर स्पीकिंग अबाउट नेहरू एंड साइलेंस ऑन दोज हु अब्यूज्ड वीर सावरकर। हैशटैग आई स्टैंड विद पायल रोहतगी। राजस्थान पुलिस अरेस्टेड पायल रोहतगी, रीजन शी टॉक नेहरू फैमिली इन सोशल मीडिया, वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो देखा आपने, जहां एक तरफ कुछ लोग सवाल कर रहे हैं आखिर पायल ने ऐसा क्या कर दिया था जो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, वहीं कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। वैसे अब संग्राम की गुहार पर पीएम मोदी क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखना होगा।